इस महत्वपूर्ण वीडियो में क्लास ट्वेल्थ का राजनीति विज्ञान का जो मॉडल पेपर है उसको सॉल्व करेंगे, जो परीक्षा उपयोगी है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं कि क्यूबा प्रक्षेपास्त्र संकट किन दो देशों के मध्य हुआ। तो इसका आंसर होगा सोवियत संघ के नेता क्रुश्चेव ने सन 1965 में क्यूबा में अमेरिका के विरुद्ध मिसाइलें तैनात की थी और यही जो है एक प्रक्षेपास्त्र संकट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सीटो SEATO का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। इसका याद रखिएगा नाम, दक्षिण पूर्वी एशिया संधि संगठन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बर्लिन की दीवार कब बनी थी। तो इसका आंसर होगा 1961 में बनी थी बर्लिन की दीवार। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि स्टालिन कौन था। स्टालिन जोसेफ स्टालिन सन 1879 से 1953 लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता एवं राष्ट्राध्यक्ष बना। उसने सोवियत संघ को मजबूत बनाने के दौर में सन 1924 से 1953 तक नेतृत्व प्रदान किया। उसके काल में सोवियत संघ का तेजी से औद्योगिकरण हुआ। उसने खेती का बलपूर्वक सामूहिकरण कर दिया। उसे सन 1930 के दशक से लेकर 1953 तक सोवियत संघ में तानाशाही की स्थापना के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो यहाँ पर हमको याद रखना है कि लेनिन के बाद सोवियत संघ का सर्वोच्च नेता कौन था, तो जोसेफ स्टालिन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कंप्यूटर युद्ध किसे कहते हैं। तो इसका आंसर होगा अमेरिका ने प्रथम खाड़ी युद्ध में स्मार्ट बमों का प्रयोग किया जिससे इराक कुवैत से पीछे हट गया। इसे पर्यवेक्षकों ने कंप्यूटर युद्ध की संज्ञा दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कारगिल युद्ध के समय पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन थे। तो इसका आंसर होगा नवाज शरीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत पाक सलाल संधि कब हुई। तो इसका आंसर होगा 1978 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि सार्क दक्षिण का पूरा नाम क्या है। तो इसका आंसर होगा सार्क को साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, सार्क का जो इंग्लिश वर्जन में जो इसका फुल फॉर्म है वह है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन, और हिंदी में इसको दक्षिण कहते हैं, और इसका फुल फॉर्म होगा दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन भी कहा जाता है। मेक मोहन रेखा क्या है। तो इसका आंसर होगा भारत और चीन सीमा निश्चित करती है। यह रेखा 1914 में भारत चीन तिब्बत के प्रतिनिधियों के एक सम्मेलन में निश्चित की गई थी, लेकिन चीन 1956 के पश्चात सीमा रेखा पर आपत्ति करना प्रारंभ कर दिया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का प्रधान कार्यालय कहाँ है। तो इसका आंसर होगा जिनेवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रशासकीय अधिकारी का पद नाम क्या है। तो महासचिव बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं पृथ्वी सम्मेलन कब और कहां हुआ। तो पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जेनेरो में सन 1992 में हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अखंड भारत के किन हिस्सों में विभाजन के पश्चात सर्वाधिक पलायन हुआ। तो इसका आंसर होगा अखंड भारत के पश्चिमी हिस्से पश्चिमी पाकिस्तान में विभाजन के पश्चात सर्वाधिक पलायन हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नीली क्रांति क्या है। तो इसका आंसर होगा श्वेत क्रांति की तरह ही दक्षिण प्रांतों में मछली उत्पादन को बढ़ावा दिया गया जिसे नीली क्रांति के नाम से जाना जाता है। तो एक प्रकार का मछली क्रांति है, मछली उत्पादन को बढ़ावा देता है नीली क्रांति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं किस प्रधानमंत्री ने नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात किया। तो नवीन आर्थिक नीति का सूत्रपात PV नरसिम्हा राव ने किया था, और उस समय वित्त मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि श्री लाल बहादुर शास्त्री के बाद भारत का प्रधानमंत्री कौन बना। तो इसका आंसर होगा श्रीमती इंदिरा गांधी। चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में किसकी सरकार बनी। तो इसका आंसर होगा चौथे आम चुनाव के पश्चात केंद्र में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी। दल बदल से क्या अभिप्राय है। जब कोई प्रतिनिधि किसी विशेष दल के चुनाव चिन्ह को लेकर चुनाव लड़े तथा जीतने के बाद उस दल को छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाए तो इसे दल बदल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि दलित पैंथर आंदोलन किस राज्य से प्रारंभ हुआ। तो इसका आंसर होगा महाराष्ट्र से।
गैर दलीय आंदोलन से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर होगा, गैर दलीय आंदोलन स्वैच्छिक संगठनों या लोगों के समूह, छात्रों, मजदूरों द्वारा शुरू किया जाता है। राजनीतिक दलों का समर्थन नहीं मिलता है और जो चुनाव में भाग नहीं लेते हैं।